गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर की बात करी थी। हमने वेक्टर में दो टाइप के प्रोडक्ट की बात करी थी, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। तो लास्ट क्लास में हमने स्केलर प्रोडक्ट कर लिया था। स्केलर प्रोडक्ट में हमने देखा था कि दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, ऑलवेज एक स्केलर क्वांटिटी आती है, इसलिए हम उसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। दो वेक्टर का प्रोडक्ट अगर कोई स्केलर क्वांटिटी आती है तो उसको हम स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे और डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे। और उसके हमने कुछ प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर ली थी, फॉर्मूला भी डिस्कस कर लिया था कि सपोज ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल थीटा हो तो ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा फॉर्मूला लिखते थे। और उसके बाद हमने उसके कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी कि दो पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, इक्वल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना। उससे हमने काफी कॉन्सेप्ट सीख लिए थे। और उसके बाद हमने उसके एक एग्जांपल भी डिस्कस किया था कि डॉट प्रोडक्ट फिजिक्स में कैसे हम अप्लाई करते हैं। तो हमने वाकडन की बात करी थी, वाकडन से हमने उसको अच्छे से डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। वेक्टर को हम कंपोनेंट के फॉर्म में भी डॉट प्रोडक्ट सीख लिया था। उसके प्रॉपर्टी में ऐसा था कि अगर दो वेक्टर इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो वो भी हमने सीख लिया था। आज पढ़ेंगे बेटा दूसरा टाइप, वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा टाइप हमारा वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। इसको जनरली हम क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन अलग है। इसमें हम ऐसा पढ़ेंगे कि बेटा दो वेक्टर क्वांटिटी है, उनके क्रॉस प्रोडक्ट से हमारे जो क्वांटिटी आए वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो, तो उसे हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। जनरल डेफिनेशन है, इफ दो वेक्टर, अगर हम दो वेक्टर की बात करें और उनका क्रॉस प्रोडक्ट करें तो उस क्रॉस प्रोडक्ट से हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आती है तो उसे हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। समझो इसको, एक्सप्लेन करते हैं। सपोज आपके पास दो वेक्टर है, मैंने ए वेक्टर इस डायरेक्शन में लिया और बी वेक्टर इस डायरेक्शन में, और दोनों के बीच एंगल थीटा है। हमने दो वेक्टर मान ली, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा, जनरल एंगल थीटा है। मैं पूछूं कि बताओ ए वेक्टर क्रॉस, एक्चुअल में इसका सिंबल जो है क्रॉस प्रोडक्ट का वो क्रॉस है, ऐसे डिनोट करते हैं। डॉट में हम डॉट से डिनोट करते थे, इसमें क्रॉस से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। मल्टीप्लीकेशन का सिंबल नहीं है, क्रॉस है सिंबल। वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, हम ऐसे लिखेंगे इसको, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। इसमें हमारा फॉर्मूला आता है साइन थीटा, उसमें आता था कॉस थीटा। तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब मुझे इसके डायरेक्शन भी बतानी है, बिकॉज हम जानते हैं कि दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी मिलेगी वो एक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। तो ये तो मेरा हो गया मैग्नीट्यूड। अब मैं बात करूं डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के दो मेथड सीखेंगे हम। पहले तो हम लिखेंगे एन कैप, ये रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस। ध्यान से देखो, नॉर्मल टू द सरफेस का मतलब क्या हुआ कि सपोज हमने जैसे ये सरफेस ली, इस सरफेस पे दो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जनरली देखो तो इस बोर्ड के ऊपर जो हमने दो वेक्टर रिप्रेजेंट करे तो वो सरफेस नहीं है। इनका क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन आएगी, क्रॉस प्रोडक्ट से जो आंसर आएगा हमारा या जो रिजल्ट मिलेगा, उसके वेक्टर की डायरेक्शन जो है, उस वेक्टर इसके जो उसके जो डायरेक्शन है वो नॉर्मल टू दी सरफेस। इस बोर्ड की नॉर्मल क्या होगी, या तो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, यही हुआ नॉर्मल, इसलिए इसको एन कैप से डिनोट करते हैं। प्लस में होती है तो एन कैप बोलते थे, माइनस में होती है तो माइनस एन कैप बोलते थे। एन कैप रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, एन कैप रिप्रेजेंट, ये यूनिट वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर, ठीक है ना, रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टिंग, रिजल्टिंग वेक्टर ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मींस इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट आया उसके रिजल्टिंग वेक्टर, इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। बी साइन थीटा जो आंसर है उसकी डायरेक्शन एन कैप है, उसकी डायरेक्शन क्या है बेटा, एन कैप, नॉर्मल टू द सरफेस। एन का मतलब होता है नॉर्मल, नॉर्मल वेक्टर भी बोलते हैं, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। यूनिट वेक्टर ऑलवेज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी अपने पास रिजल्टिंग ही है, इस रिजल्टिंग ही डायरेक्शन एन कैप है, ठीक है। पक्का समझ में आ गया फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बार बार काम में लेंगे हम, ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब देखो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के दो मेथड है या दो रूल्स की बात करेंगे, डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन फाइंड आउट करने, ठीक है। तो डायरेक्शन के दो मेथड है, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का जो रिजल्टिंग आया
उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के दो मेथड, पहला है राइट हैंड रूल, पहला है राइट हैंड रूल। देखो बहुत इजी होता है रूल, आपको केवल हाथ चलाना आना चाहिए, राइट हैंड रूल। देखो ये आपका राइट हैंड है, इसकी जो फिंगर्स हैं, जैसे आप ए क्रॉस बी लिखते हो, ए क्रॉस बी में फर्स्ट वेक्टर आपका जो पहली क्वांटिटी है वो ए वेक्टर है, दूसरी क्वांटिटी है बी वेक्टर है, तो फर्स्ट ये जो फिंगर्स है हमारे राइट हैंड की जो फिंगर्स है वो फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में होनी चाहिए। जैसे आप देखोगे ना ए क्रॉस बी, जैसे ये डायग्राम था, तो फर्स्ट वेक्टर की तरफ हमारे फिंगर्स होनी चाहिए, सेकंड वेक्टर की तरफ मूव करनी चाहिए, तो थंब क्या बताएगा, रिजल्टिंग की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टिंग वेक्टर ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या हुई, आउटवर्ड नॉर्मल। इस केस में क्या हुई, नॉर्मल टू दी सरफेस है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो हमें क्या करना है, जैसे हमें ए क्रॉस बी लिखना है, ए क्रॉस बी लिखना है तो ए की डायरेक्शन में फिंगर बी की डायरेक्शन में मोड़नी चाहिए। ऐसे ही मोड़ोगे, ऐसे थोड़ी है, नहीं सर मैं तो ऐसे भी तो मोड़ सकता हूं नीचे की तरफ, अरे भाई ऐसे नहीं मोड़ने, इजी वे में जिस तरफ मोड़ती है, तो हमारी जो फिंगर्स है वो इजी वे में ऐसे ही मोड़ती है, ऐसे नहीं ऐसे मोड़ने लग जाओ, गलत तरीका होगा। तो हमें ए की डायरेक्शन में फिंगर्स रखनी है, फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर्स रखनी है, सेकंड की तरफ मूव करनी चाहिए, तो सेकंड की तरफ ऐसे मूव करेंगी तो हमारा थंब किस डायरेक्शन में है, आउटवर्ड नॉर्मल। अगर मुझे लिखना हो बी क्रॉस ए, ठीक है, मैं रूल भी लिखवा दूंगा, ये भी लिख लेंगे, अपन बात करें बी क्रॉस ए की, मैंने उल्टा लिखा, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं फिर देखो डायरेक्शन समझ में आएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर साइन थीटा, ये तो रिजल्टिंग का मैग्नीट्यूड आ गया, इनटू मैंने लिखा माइनस एन कैप, माइनस एन कैप, देखो ध्यान से माइनस एन कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पहले बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर यूजिंग राइट हैंड रूल, अब डायरेक्शन बताओ अपनी फिंगर्स किस तरफ रहनी चाहिए, फर्स्ट वेक्टर कौन सा है, बी वेक्टर, देखो ध्यान से बी वेक्टर किधर है, ये रहा, ये लो सर कर ली फिंगर, सेकंड वेक्टर की तरफ मुड़नी चाहिए, सेकंड क्वांटिटी ए वेक्टर, इसकी तरफ मुड़नी चाहिए, मोड़ो, मुड़ी क्या, नहीं गलत तरीका, नहीं ऐसे नहीं पकड़ेंगे अपन, अपन सोचेंगे ऐसे, बी वेक्टर की तरफ फिंगर्स हैं, ए वेक्टर की तरफ इजीली मूव कर रही है, थंब किधर है, इनवर्ड नॉर्मल, इनसाइड द नॉर्मल, इनसाइड द नॉर्मल, इनवर्ड नॉर्मल जिसको बोलेंगे, और इनवर्ड वाले डायरेक्शन को हम बोलेंगे माइनस एन कैप, आउटवर्ड प्लस एन कैप लिए तो इनवर्ड क्या होगी, माइनस एन कैप, पक्का समझ में आ गया। अगर हम जैसे जनरल उसमें सोचे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में सोचे तो उससे भी हम पता कर लेते हैं, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में सोचोगे बेटा, जैसे मान लो मैंने बोला कि मैंने ए वेक्टर इधर ले रखा है, ए वेक्टर मैंने ले रखा है एक्स एक्सिस में, डायरेक्शन बोलो आई कैप, मैंने बी वेक्टर ले रखा है वाई एक्सिस में, बी वेक्टर किधर ले रखा है वाई एक्सिस में, डायरेक्शन जे कैप, और मैं बोलूं ए क्रॉस बी, बीच का एंगल जो भी है थीटा लिख लो 90 लिख लो, मुझे दिख रहा है थीटा 90 है, साइन थीटा लिख लेंगे साइन 90, मैं आपसे बोलूं ए क्रॉस बी, डायरेक्शन बोलो ए क्रॉस बी, आपका जेड जो कोऑर्डिनेट होगा वो इधर होगा, बॉर्ड पे तो ऐसे दिखाओगे, वैसे जेड प्लस जेड बाहर की तरफ होता है, माइनस जेड अंदर की तरफ, आप लिखोगे ए क्रॉस बी, ए की डायरेक्शन में आपकी फिंगर बी की तरफ मूव कर रही है, थंब किधर है प्लस जेड में, के कैप, तो उसको लिख देंगे ए क्रॉस बी, इस सिचुएशन में हम लिखेंगे A cross B vector equals to AB, magnitude of A, magnitude of B, हम direct AB भी लिख सकते हैं, sin 90, sin 90, K cap, N cap की जगह हम क्या लिख देंगे इस बार, K cap, मतलब Z axis की direction को हम K cap से represent कर रहे हैं, तो हम सीधा क्या लिख देंगे, K cap, ठीक है, और general formula लिखना होता है, तो उसमें हम N cap लिखते हैं, या minus N cap लिखते हैं, तो A cross B क्या हो गया आपका, AB sin 90, K cap, आपको पता है, ये x एक्सिस में i कैप से y एक्सिस में j कैप से, तो z में k कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा राइट हैंड रूल कहता है a की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स होनी चाहिए, b की डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए, तो z क्या होगा, z में क्या होगा हमारा थंब, तो z में हमारी डायरेक्शन होगी रिजल्टिंग वेक्टर की, इसकी जो डायरेक्शन है वो k कैप होगी, पक्का समझ में आ गया क्या। अगर मुझे b क्रॉस a लिखना हो इसी में, तो b क्रॉस a का फार्मूला क्या होगा बेटा, b क्रॉस a, b a sin 90 माइनस के कैप, देखो कैसे बी क्रॉस ए, कैसे देखोगे, बी के डायरेक्शन में फिंगर्स ए के डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो थंब किधर है, इनवर्ट नॉर्मल, और इनवर्ट वाले डायरेक्शन माइनस जेड माइनस के कैप, हम ऐसा लिख सकते हैं। क्या राइट हैंड रूल समझ में आ गया, राइट हैंड रूल पक्का समझ में आ गया आपको, ये राइट हैंड रूल बहुत अच्छे से समझना है और ये बहुत काम आएगा वेक्टर में, राइट हैंड रूल
वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए बहुत काम आता है, इसलिए हमें इसको अच्छे से सीखना है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए राइट एंड रूल में। स्टेटमेंट लिखना चाहो तो इसका स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। देखो स्टेटमेंट क्या कहेगा, कैसे लिखा जाएगा, देखो राइट एंड रूल क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू राइट एंड रूल According to right hand rule, the fingers of right hand according to right hand rule, the fingers of right hand in direction of ए वेक्टर, जैसे हम ए क्रॉस बी की बात करें ना, ए वेक्टर आपका फर्स्ट वेक्टर होगा, इन डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड दिस मूव्स इन डायरेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर then the direction of resulting vector yeah, then the thumb represent the direction of result, then the thumb represent the direction of resulting vector। ध्यान रखना है कि जो thumb है वो resulting vector की direction को represent करेगा बेटा, ठीक है।